हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जियाज रसोई एट जियाज आर्टिस्टी। आज मैं बनाने वाली हूँ दही फुल्की। तो जो दही फुल्की हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं, ये बहुत चटपटा होता है, सबको बहुत अच्छा लगता है और सिंपल रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है और देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दही फुल्की कैसे बनाई जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दही लिया है। दही हमने एकदम फ्रेश दही लेना है, दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए वरना स्वाद खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 250 ग्राम फ्रेश दही लेंगे और दही को बहुत अच्छे से जो है फेंट लेना है, एकदम स्मूथ कर लेंगे। तो इस तरीके से चम्मच से या बैटर से जो है आप इसको हिला हिला कर अच्छे से जो है एकदम स्मूथ कीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमने मसाले ऐड करने हैं। मसाले में हम लेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, वाइट नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, सफ़ेद जो नमक खाने का होता है हमारा, आधा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चीनी, यहाँ पर काला नमक ले रहे हैं ब्लैक सॉल्ट, और साथ ही हम यहाँ पर लेंगे चाट मसाला आधा चम्मच। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। और साथ ही यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, जैसे तवे पे हम जीरे को भून लेते हैं उसके बाद पीस लेते हैं, वो हम जीरा यूज़ करेंगे। और नमक जो है वो बहुत ही अंदाजे से आप डालिए, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लैक सॉल्ट, काला नमक और वाइट नमक दोनों ले रहे हैं, तो नमक तेज़ ना हो जाए इसलिए कम ही डालेंगे। और बहुत अच्छे से मिला लेना है क्योंकि इसमें चीनी भी है, चीनी को अच्छे से घोल लेना है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम आधा गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। मसाले डालने के बाद हमने इसमें आधा गिलास पानी डाला है और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा जो है ये एकदम हल्का लिक्विड बन चुका है, लेकिन पानी यहाँ पर हम बीच बीच में ऐड करेंगे अगर हमें लगेगा। एक साथ पानी नहीं डालना है, यहाँ पर अभी हमने आधा गिलास ही पानी डाला है। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं फिर से। तो ये काफ़ी थिक है, अभी जब हम इसमें फुल्की डालेंगे तो ये और थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, इतना ही पानी हमने डालना है, एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी हमने यहाँ पर लिया है। तो देखिए काफ़ी, अभी भी ये काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है क्योंकि दही जो थी वो काफ़ी थिक थी, दही में बिल्कुल पानी नहीं था। अब यहाँ पर हमने लिया है आधा कटोरी, मैं बेसन ले रही हूँ, बेसन को अच्छे से छान लेना है फिर यूज़ करेंगे। और आधा चम्मच जो हम यहाँ पे अजवाइन ले रहे हैं, क्योंकि बेसन की फुल्की बना रहे हैं तो उसमें अजवाइन डालना तो बनता है, क्योंकि बेसन खाने में थोड़ा हैवी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, नमक यहाँ भी आप देख कर डालिए क्योंकि ऑलरेडी हमने दही में भी नमक डाला है। और आधा चम्मच यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक लिक्विड घोल हमने बनाना है, जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं। और बहुत ही अच्छे से फेंटना है हमने बेसन को, ताकि बेसन में जो लम्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथ बेसन बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बेसन जो है बहुत परफेक्ट बना है एकदम से, और जो इसकी थिकनेस है वो भी बहुत अच्छी बनी है। तो इतना ही हमने इसको थिक रखना है। अब हम हमारी जो फुल्की है वो हमने बनानी है, तो मैंने कढ़ाई में जो है तेल गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था, तो तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब गर्म तेल में हमने फुल्कियाँ डालनी है, तो मैं पहले चम्मच से डाल रही हूँ। तो इस तरीके से चम्मच से डालिए और इस तरीके से छोटी छोटी जो आ रही हैं उस वो कोई बात नहीं, हमने इसमें जो अभी मैं आपको हाथ से भी डाल के दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर जो फुल्की का शेप है वो हमने नहीं देना है गोल, बिल्कुल गोल मटोल सी, और कोई भी शेप आप देख सकते हैं साइड में हल्के हल्के लंबाई में जो फीते से आ रहे हैं या गोल आ रही है, तो कोई भी शेप आप बना सकते हैं। इसमें हमने शेप का बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस हाथ से डालते जाना है।
तो देखिए इस तरीके से हर फुलकी का जो शेप है वो एकदम से अलग सा ही बना है, तो ऐसे ही बनानी है हमने गोल मटोल। तो बहुत अच्छे से इसको हम मिला लेते हैं और बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्पी नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा हमने फ्राई करना है इसको। तो फुलकी जो हमारी तैयार हो चुकी है आप देख सकते हैं, जल्दी से बन जाती हैं, ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म था। तो अब हम इसको जो है अच्छे से जो है जो करछा होता है छन्नी वाला उसमें हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से इसको ऑयल में से बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पर जो दही था हमारा, जो हमने दही तैयार किया था, ये फुलकी कढ़ाई में से निकाल कर हमने डायरेक्ट दही में डालनी है। तो इस तरीके से इसको हम दही में डालेंगे और जितनी भी फुलकी आप बना रहे हैं उसको कढ़ाई में से निकाल कर दही में डालते जाएं और चम्मच से जो है इसको बहुत अच्छे से डिप करते जाएं, क्योंकि जो दही है वो फुलकी में अच्छे से आ जाना चाहिए और दही से जो है फुलकी और फूल जाएंगी, तो इसलिए इसको दही में हम डिप करते जाएंगे इस तरीके से। तो अभी जो हमारा दही आप देख सकते हैं वो और भी गाढ़ा हो चुका है क्योंकि जो फुलकियाँ थी इन्होंने दही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने सरसों सौंफ का जो होता है, सॉरी सौंफ का जो होता है वो तड़का लगा रही हूँ मैं। 1 चम्मच ऑयल लिया है और 1 चम्मच सौंफ। तो सौंफ से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है जब हम इसको खाते हैं। तो यहाँ पर हम सौंफ ले रहे हैं और सौंफ भी हम ऊपर से इसमें तड़का लगा रहे हैं। इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं ताकि पूरे दही में जो है सौंफ अच्छे से मिल जाए। तो देखिए दही फुलकी जो हमारी तैयार होगी, अब हम थोड़ी गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, तो हल्का सा जीरा जो है हम यहाँ पर ऊपर से डाल देते हैं इसमें गार्निशिंग के लिए। तो ऊपर से जब भुना हुआ जीरा, वैसे भी रायते में हो या कैसे भी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है भुने हुए जीरे का। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं अनार ले रही हूँ, तो अनार से जो है इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा और जब आप इसको खाएंगे तो हर बाइट में जो है दही की फुलकी और अनार का एक अलग ही टेस्ट आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से इसमें हम डाल देते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। तो जो हमारी दही फुलकी है वो तैयार हो चुकी है और गार्निशिंग जो हमने की है उससे तो इसका लुक और भी बढ़ गया है। और अभी इसको थोड़ी देर आप ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ा ठंडा करने के लिए, तो ये ठंडी ही अच्छी लगती है। और चाहे तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी आप इसको बाहर रख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ी देर ऐसे रखने के बाद ही आप इसको खाएं, क्योंकि जो हमने फुलकियाँ बनाई थी बेसन की वो अच्छे से दही में जो है डिप हो जाएंगी और थोड़ी सी और फूल जाएंगी और दही जो है उनके अंदर एकदम से भर जाता है। तो उसके बाद ही इसको खाएं तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ज़्यादा देर नहीं रखना है, 5 मिनट भी आप इसको ऐसे रख देंगे तो भी ये बहुत अच्छी बन जाती हैं और जो दही है वो एकदम से थिक और भी थिक हो जाता है, तो इसीलिए आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी दही की फुलकी तैयार है, तो एंजॉय कीजिए दही की फुलकी।